अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप के मेंबरान को। ये जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये ग्रुप में 5-5 हज़ार वाले नोट हैं। ये तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब ये बंदे को जो है ना उठाए, इस बंदे ने जो एक फैमिली के साथ आया था, सबकी सीरियल नंबर एक ही है, ठीक है ना। और बहुत चिटिंग के साथ इस बंदे से वो जानवर ले गए और रास्ते में जाके बकौल इससे ये पैसे पकड़ो भाई, ये सारे नकली पैसे बकौल इसके कि यहाँ से उन्होंने सौदा करा। सौदा करने के बाद ये ले गए इसको कि माल के पैसे हम तुझे घर चल के देंगे, घर तक के चल। ये माल लेके गया है, उन्होंने रास्ते में गाड़ी रोक के बोले अभी हमारे घर में ताला लगाओ, हम लेके जाएंगे सुराब गोट, तो ये हम जो है ना तुम्हें पैसे दे रहे हैं और तुम पैसे लेके जाओ, हम आगे जाएंगे। ऐसे ही था भाई, और तुम्हारे साथ फिर पैसे नकली देके फिर चले गए वो। कहाँ तुम्हें उतारा था उन्होंने? रास्ते में उतारा था। बताओ तुम खुद बताओ कितने पैसों का उन्होंने दो नंबर दिया तुम्हें पैसा? 2,70,000 रुपए तुम्हें नकली दिया, ठीक है। ये 2,70,000 रुपए इसको नकली देके चले गए इस बेचारे को। जो ये बंदा बैठा हुआ है ये सत्तार भाई के बाड़े पे आके बैठा हुआ है रेंट पे, मतलब ये अभी बकराईद के टाइम पे काम करने के लिए। तो मेरा ये ग्रुप में चलाने का मतलब ये भाईजान, होशियार हो जाए तमाम फार्म वाले, तमाम बाड़े वाले इस जगह पे भी खवातीन के साथ आके परचेजिंग कर रहे हैं, जो नकली पैसे चला रहे हैं। वो इधर नहीं देते तो अपने साथ जाके लेके जाते हैं कि एक बंदा साथ चले चले, हम घर से जाके पैसे दे रहे हैं, तो रास्ते में पैसे दे दिए जाते हैं और वहां से उड़न छू हो जाते हैं। तो बहुत हसास तरीके से तमाम लोग चले। मेरी गुजारिश है इस बेचारे के साथ तो हुआ, आगे देखते हैं। हम चौकी से भी ये बात करेंगे, सुबेदार साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और फॉरवर्ड करके वो खुराबाद वाले लोग बहुत सारे हमारे दोस्त भाई वहां पर भी कारोबारी बैठे हुए काम कर रहे हैं, उनको भी होशियार करें ये नकली नोट वालों से, और खवातीन के साथ आके जो ये क्राइम कर रहे हैं उनके ऊपर खास तौर पे नजर करें प्लीज। थैंक यू।